ना बताया, ना राधा स्वामी वाले ने बताया। और फिर ये पूरे गुरु कितने हो गए? सोई गुरु पूरा कहावे, ये गुरु ग्रंथ साहिब में सही लिखा है, लेकिन सावन सिंह जी और राधा स्वामी पंथ के जितने भी प्रवर्तक है वो सभी इन दो अक्षर से अपरिचित थे, तो वो पूरे गुरु नहीं थे। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अच्छा, जे तू पढ़्या पंडित बिना दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जेकर सच समावा। आदि ग्रंथ में 1171 पृष्ठ पे ये दोनों मंत्र श्लोक हैं। जे तू पढ़्या पंडित बिना दो अक्षर दुई नामा, दो अक्षर दो नामा के बिना अगर तू पढ़ा है तो व्यर्थ है तेरे। परणवत नानक एक लंघावे जेकर सच समावा, एक और है लंघाए माने वो पार करेगा, तीसरा मंत्र। यदि तू गुणी है, या ये अनुवाद है इनका, इस अर्थ का श्रावण सिंह जी ने अनुवाद किया है, यदि तू गुणी हो, तुम गुणी हो ज्ञानी हो, तो वे अक्षर बताओ। वे आप अनुवाद का है, वे अक्षर तो पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर तो ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। वाह जी वाह, यह कबीर, यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाख है। अरे बोल के दो बोल सुना, ये तो कह बोल के सुना, अरे न्यो कह पार ब्रह्म पावेंगे, मरे पाछे मिलेंगे, राधा स्वामी वाले कहे। और कबीर जी कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाख होगा खसम तलेगा राखे। ये दो अक्षर का जो नाम है इसका तो सिमरण करना जब तेरे पापत्ति आ जा, अगर सही संत से तुझे प्राप्त होगा, होएगा खसम यानी धनी तरह सही होगा तो तेरी रक्षा कर लेगा, वह काल के जाल में नहीं पड़न देगा। और ये भी गुरु आदि ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 329 पर लिखा है कबीर जी की वाणी। फिर गुरु नानक जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसे नानक होत निहाल। एक अक्षर हरि मन वसे नानक होत निहाल, ये सार नाम की तरफ है, वो एक मंत्र और है इन दो से न्यारा। ये प्रश्न नंबर 447 में एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, गुरु नानक जी, वेद कतेव सिमरत सब सासत इन पढ़्या मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, देख लो इनकी अकल राधा स्वामी आने की। गुरु ग्रंथ साहिब तो स्पष्ट कह रहे हैं नानक जी कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे यानी पूरे संत से लेकर उसका जाप करना है, वो तीसरे नाम का एक अक्षर का भी, अर्तिस की निर्मल सोई। अरे न्यो क्यों उड़ागे मिल लेंगे पार ब्रह्म में, टट्टू मिल लेंगे बड़े पार ब्रह्म में, इतने भूत बने पाओगे। अब यहाँ जाप करना हमने, अरे ये सब एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, दो अक्षर अलग और ये तीसरा अलग है एक। ये क्या कहे हैं देखना, इनका अनुवाद, इसका अनुवाद कर रहे हैं ये श्रावण सिंह जी। यह वह अक्षर आपके अंदर है, वह अक्षर और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। थरा गजब, ये चौड़े में झूठ बोल रहे। अब गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी कह रहे हैं, एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, जो जाप करे वो तो गुरु जी देगा और जाप करेगा, वो तीसरे नाम का भी जाप करना है अभी। अरे न्यो कहे वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। तेरा गजब, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। ये लतीफे, ये बीजक की बात कह, बीजक ना ये हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे कह, मीठी बात। ये इसे इसे श्लोक सुना के बूढ़े आदमियों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है, ये देखो कि बंडनदायक रहे हैं। हमारा धर्म सत्य पुरुष है, यह प्राया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है, अब सतनाम में जा रही है, सतनाम सथान बताओ, ये सतनाम ने
सतलोक में भी सतनाम कहेंगे। देखो अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। अपने आत्माओं, ये परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को इन्होंने खोजा भी है, पढ़ा भी है, लेकिन समझ नहीं सकते। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसा ना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। यानी कबीर जी का जो सूक्ष्म वेद कबीर वाणी है, उन्होंने इन्होंने इनको पढ़ा भी है, उसमें से ये मंत्र भी इनको इन्होंने ढूंढे हैं, लेकिन स्वयं इनका जाप भी नहीं कर सकते, ना बता पा रहे हैं, और इसका अनुवाद भी गलत करके कहते अंदर यानी शरीर में शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद वाली भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं, आप जी के समक्ष ये श्री सावन सिंह जी के विचार रखे जा रहे हैं। अब इन्होंने परमेश्वर कबीर जी के अमृतवाणी का भी अध्ययन किया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी अध्ययन किया है, लेकिन ये समझ नहीं सके, क्योंकि गुरु ये भी वेद है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है ये वेद है, ज्ञान है, विशेष वेद है, सूक्ष्म वेद है। और कबीर परमेश्वर का जो अमरवाणी है, कबीर वाणी, वो सूक्ष्म वेद है। इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। अब देखो ये क्या बताते हैं, खुद ही 200 पृष्ठ पृष्ठ पर, 264 पृष्ठ पर क्या कहते हैं, इसी संत मत प्रकाश भाग चार में प्रश्न नंबर 264 पर, संत मत प्रकाश भाग चार के। सत्संगी ने प्रश्न किया, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी ने उत्तर दिया, सावन सिंह जी ने, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इन ज्ञान तो है नहीं, इंदुमती तो जो परमात्मा द्वापर युग में आए थे तब इन उसमें उनकी शिष्या हुई थी। फिर भी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, देख इनकी अकल देखना। यानी पहले तो कबीर साहब सतपुरुष में जाकर लीन हो गए। ये ऐसा मानते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। क्या कहते हैं कि पहले कबीर साहब मालिक में जाकर मिल गए, उसमें समा गए, और फिर रानी उसमें समागी बूंद समुद्र में। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहेब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं संभजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहेब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब और दिखाते हैं, 189 पृष्ठ पर कति स्पष्ट किया है। ये देखो 189 पृष्ठ पर, इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड में ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहेब ही सत्य पुरुष हैं। आप पे लिख रहे हैं देखो ये, और फिर भगवान निराकार बताएं। सचमुच सच्चाई यही है कि कबीर साहेब भगवान हैं, सत्य पुरुष हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। तो इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहेब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहेब ही सतपुरुष हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा न करती? कहते हैं, तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है तो तेरी मर्जी, कह दे। अपुण्य आत्माओं,
कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी, चोर चुरावे तुम्बड़ी और गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। इनका अपना सिद्धांत तो ये है, इनका अपना सिद्धांत तो ये है कि यहाँ परमात्मा ऊपर सतलोक में निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा का मोक्ष ऐसा मानते हैं ये श्राद्धा स्वामी धन धन सतगुरु वाले कि वहाँ जाकर आत्मा परमात्मा में समा जाती है, जैसे बूंद समुद्र में लीन हो जाता है। और ये अपनी थ्योरी को परमात्मा कबीर जी से जोड़ रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं कि पहले कबीर जी जाकर परमात्मा में बूंद की तरह विलीन हो गए, और पीछे से रानी जाकर इंदुमती विलीन होगी, फिर बतलाए कितवे वो आपस में बतलाए कहाँ, जब सतलोक में तो एक हो गया प्रकाश में प्रकाश समा गए उनका उनकी छोरी, वो फिर आपस में उन कबीर साहब को देखा कैसे, वहाँ देखा तो साकार है वो, और वो रानी भी साकार न्यारी है जो बात कर रही है, सच्चाई यही है। और इंद्रमती ने कहा कि आप सचमुच आप सतपुरुष हो, और आप मुझे बता देते मैं सतपुरुष हूँ। तो यहाँ अगर परमात्मा कह भी देते थे हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर खालक कह कबीर खालक दरी अमरा नाम कबीर, लेकिन कौन मानने था, क्योंकि हमारी बुद्धि घुमा रखी है नकली संतों ने कि परमात्मा निराकार है निराकार है, और वो हमारा कति रंग चढ़ रहा है। हम शिव जी की पूजा करें विष्णु जी की पूजा करते हैं, मूर्ति हमारे सामने रखी है, और फिर भी भगवान को उस लोक वेद के आधार से नो परमात्मा निराकार है। देख किसी अकल थी, बालक जैसी बुद्धि हमारी बना रखी अन्याड़ी अज्ञानी संतों ने। और ये दो अक्षर का जो भेद बतावे वो पूरा गुरु का, और ये पांच अक्षर का बतावे दो अक्षर ही जानते को ना, तो ये पूरे क्यों करोगे राधा स्वामी वाले। वो पांच अक्षर उनसे, वो तो दो अक्षर का बताया है, और तीसरा वो सतनाम सारनाम है। तो इन मंत्रों के जाप से कल्याण होगा जिनको उन महापुरुषों ने जाप किया। किन्होंने? गुरु नानक देव जी ने। अब दिखाते हैं गुरु नानक देव जी का प्रमाण। अब संकेत ही समझ जाओगे बुद्धिमान व्यक्ति। यह जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ई जन्म साखी अज तक छप्पन चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, पुरानी पहले वाली भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। आगे देखो, प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से ये प्रकाशित है। इसके 547 पृष्ठ पे हम चलते हैं, 547 पृष्ठ पे ये देखिएगा। पृष्ठ पे समुंदर दी साखी यहां से पढ़ते हैं। बाला संधु उवाच, बाला संधु बोला, बाला और मर्दाना नानक जी के निकटतम शिष्य थे, उनमें से बाला बोल रहा है और गुरु अंगद जी को बता रहे हैं। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए, अजीत नामक किसी व्यक्ति से विदा होकर आगे को चले, तो मर्दाने किया सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी कहन जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना
अखी मिटो